बड़ी वॉइसेस भी होंगी जिनसे बात भी करेंगे. इनफैक्ट हमारे साथ अब मिस्टर देवेंद्र चौकसी, क्या चौकसी से बन भी गए. वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश मिस्टर चौकसी. सबसे पहले आपका रिएक्शन बाजार की आज एकदम से जो फॉल देख रहे हैं, इतना प्रेशर बाजार पर जो बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जिस तरह से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया, क्या वो एक बड़ा ट्रिगर था जिसने ये सेल ऑफ को ट्रिगर किया? गुड आफ्टरनून. नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुए हैं वो कोई अनएक्सपेक्टेड लाइन पे है. आई थिंक सबसे पहले जो फेड ने जो क्लैरिटी दी है वो क्लैरिटी काफी अच्छी क्लैरिटी दी है. अगले 2 सालों के अंदर ब्याज के दर बढ़ाए जाएंगे. आई थिंक दैट इज गिविंग लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर डी लेवरेजिंग. तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई लंबा कोई फर्क पड़ेगा. एट द सेम टाइम एक अच्छी चीज इसके अंदर गिनी ये जानी चाहिए कि फेड का जो आउटलुक जीडीपी के लिए है, अमेरिका का जीडीपी के लिए का जो आउटलुक है, दैट आउटलुक इज रिमेनिंग एक्सट्रीमली बायंट एंड पॉजिटिव. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसको कंट्रोल करना है, बट उसके साथ में इन्फ्लेशन बढ़ने का जो मेन रीजन है वो ग्रोथ है. और अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर इतने सालों में जब इतना ग्रोथ नहीं देखा गया जो ग्रोथ अभी हम देखने जा रहे हैं. तो आई वुड थिंक दैट आई थिंक इफ अराउंड 4% जीडीपी ग्रोथ आता है और इन्फ्लेशन करीबन 4% के आसपास अंदर कंट्रोल होता है, मे बी लेसर देन दैट बिकॉज दे हैव इंडिकेटेड 3% इन 2023. तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए समय अच्छा रहना चाहिए. करंट जो मार्केट के अंदर बिकवाली है, अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट के अंदर जो भी बिकवाली है, वो बिकवाली में ऐसा समझता हूँ कि एक तो हॉलीडे का एक फैक्टर उसके अंदर गिन के चलना चाहिए, दूसरी तरफ जो स्टीप वैल्यूएशन है उसका एडजस्टमेंट हो रहा है, तीसरी तरफ मैं ऐसा समझता हूँ कि जो डीलिवरेजिंग हो रही है पोर्टफोलियो की, जो ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो की डीलिवरेजिंग हो रही है उसके हिसाब से बिकवाली है. मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि बिकवाली के अंदर करीबन काफी हद तक इंडियन मार्केट के अंदर बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते जा रही है बिकॉज करेक्टेड वैल्यूएशन के अंदर काफी हद तक नए इन्वेस्टर को आने के लिए एक आई थिंक अच्छे दाम मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है. तो आई थिंक ओवरऑल आई कंसिडर इट इज अ पॉजिटिव करेक्शन. देवेन भाई गुड आफ्टरनून. एक बहुत इंटरेस्टिंग आज एक इवेंट हो रहा है, आई एम नॉट श्योर आपको मालूम है या नहीं, लेकिन एक्सचेंजेस के हिसाब से अदानी ग्रुप के कुछ टॉप ऑफिशियल्स आज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से मिल रहे हैं. एक्सचेंजेस की इन्फॉर्मेशन है ये. तो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जिस तरह से इंटरेस्ट आ रहा है अब इन्वेस्टर्स का, कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी रिसेंटली निकल के आई, आपका क्या व्यू बन रहा है इस पूरी बास्केट पे? बिकॉज हमने अगेन एक्सचेंजेस पे देखा है कि कुछ टाइम पहले रोड शो भी हुए थे बड़े इन्वेस्टर्स, अब फिर आज बड़े इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं इस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में. किस तरह का प्ले आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन एनर्जी भी है, एनर्जी ट्रांसमिशन का प्ले है, यहाँ पे गैस का प्ले है, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का प्ले है, आपको इस समय कौन सा सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन में इस करेक्टिव फेज में? तो एक पर्टिनेंट पॉइंट है ये कि अडानी ग्रुप जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ताल्लुकात रखता है उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज ऐसी देखी जा रही है अजय कि लास्ट 20 साल के अंदर कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं और करीबन लास्ट 5 साल के अंदर जो नए बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं, काफी हद तक ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर होके उसके रिटर्न आने शुरू हुए हैं. जैसे पोर्ट की बात करें तो पोर्ट के अंदर करीबन 12,500 करोड़ का टॉप लाइन है, 8,500 करोड़ का ईबिटा है, वो करीबन सालाना 15 या 20% के रेट के ऊपर बढ़ रहा है. दूसरी तरफ देखें तो पोर्ट के साथ में जो लॉजिस्टिक का कारोबार जुड़ा है और जो नया कारोबार अभी वेयरहाउसिंग का करने जा रहे हैं उसके अंदर भी आई थिंक काफी हद तक मैं समझता हूँ कि ग्रोथ रेट करीबन 15-20% के साथ में बरकरार रहेगा बिकॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स वुड डिटरमाइन द ग्रोथ रेट फॉर लॉजिस्टिक एंड ऑल्सो फॉर वेयरहाउसिंग. सो काफी हद तक ये एक सीनर्जेटिक अप्रोच है बिजनेस के अंदर. दूसरी तरफ देखें तो अडानी विलमार जो अडानी एंटरप्राइज के अंदर ये कंपनी नर्चर हुई है 50-50 जॉइंट वेंचर के साथ में, वो अभी पब्लिक मार्केट में आने जा रही है. तो आई थिंक इन एफएमसीजी स्पेस आप देखें तो B2C बिजनेस के अंदर दे वुड प्रॉबली रजिस्टर्ड नंबर 1 पोजीशन इन मेनी प्रोडक्ट कैटेगरीज. तो आई वुड थिंक दैट आई थिंक दे आर प्रॉबली वन ऑफ द बेटर ऑफ द लॉट्स एज फार एज आई थिंक द एफएमसीजी बिजनेस इज कंसर्न. सिमिलरली जो अडानी ग्रीन एंड अडानी ट्रांसमिशन, ये दोनों कारोबार को देखें तो एक तरफ ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन और दूसरी तरफ ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये कारोबार के अंदर भी काफी हद तक इन्वेस्टमेंट हो रहा है और सामने रिटर्न भी इतने अच्छे कैश फ्लो अच्छे जनरेट होने शुरू हो चुके हैं. तो अगेन आई थिंक दैट रिमेन्स वेरी वेरी पॉजिटिव प्रपोजिशन. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई थिंक द कंपनी विच इज अडानी टोटल गैस, उसके अंदर जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार है वो
और इसके अंदर करीबन 40 सिटी नई ऐड हो रही है. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वॉल्यूम एंड द रेवेन्यू ग्रोथ बोथ आर इंक्रीजिंग. तो आई थिंक एक पॉइंट ऐसा रख के चलते हैं कि आई थिंक इन ईच ऑफ दिस बिजनेसेस दे आर बेसिकली हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो विजिबिलिटी. मे बी इट इज डिफिकल्ट टू कॉमेंट ऑन वैल्यूएशन बिकॉज काफी हद तक करीबन दूसरे बिजनेस के अंदर थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच है. परंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि एक बार इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, कैश फ्लो बनना शुरू हुआ है, तो आई थिंक वन विल नॉट हैव टू मच ऑफ अ वेटिंग पीरियड. सो दैट इज हाउ आई थिंक यू कैन लुक एट दिस कंपनीज. एनी प्राइस करेक्शन वुड बी अ मीनिंगफुल बाय इनटू दिस स्टॉक्स. एक्सेंचर का जो कमेंट्री आया है आईटी स्टॉक्स पे, क्या व्यू बन रहा है आपका? मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, इनफैक्ट अभी मैं अपने कोलीग से बात कर ही रहा था कि बहुत सारे आईटी स्टॉक्स तो फ्रेश रिकॉर्ड हाइज पे आ गए. एब्सोल्युटली, आई थिंक सम ऑफ द मिड कैप आईटी कंपनीज और जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है उनके लिए करीबन समय जो 90s के अंदर जो बना था एक सस्टेन ग्रोथ का, वो समय करीबन अभी ये समय के अंदर बना है. बिकॉज डिजिटल फर्स्ट मूवमेंट हैज स्टार्टेड कैचिंग अप एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. और दूसरी तरफ देखें तो 5G का इम्प्लीमेंटेशन होना एंड आई थिंक प्रोसेसेस कुड बिकम फास्टर विथ IoT, AI एंड MLDL. तो उसके साथ में मेरा ऐसा मानना है एंड अलॉन्ग विथ ब्लॉकचेन मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक काफ़ी हद तक IT कंपनीज के लिए एक नया समय शुरू हो रहा है. आई विल नॉट बी सरप्राइज कि द लार्जर IT कंपनीज की जिसके पास अच्छी बैंडविड्थ है एग्जीक्यूट करने की, जैसे इंफोसिस है, TCS है, विप्रो है, ये कंपनी के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि समय आई थिंक एक अच्छा रहेगा फॉर टू रीजंस. वन, दे आर इन अ मच बेटर पोजीशन टू अट्रैक्ट द टैलेंट. टू, दे आर इन द पोजीशन ऑफ डिलीवरिंग द सॉल्यूशन टू कस्टमर एट अ फास्टर एंड एफिशिएंट रेट. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करीबन 15-20% का ग्रोथ रेट ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस ऑन अ लार्जर बेस फॉर ईच ऑफ दिस कंपनीज पॉसिबल. वैल्यूएशन के हिसाब से दे आर मॉडरेट. आई थिंक दे आर इन द अर्ली 30s और मिड 30s as far as price earning ratio is concerned compared to mid tier IT companies ke jahan pe valuation slightly stretch hai wo 60s or 70s or 80s ke aas pass hai price earning ratio. But I would think that I think all these players would have some meaningful journey going forward. So I think valuation ko thoda ek bazar respect dete hai, but at the same time selective buying can happen in some of the frontline IT companies. करेक्ट. साथ ही देवेन आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जब लास्ट वीक जब हमने देखा कि एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, उसके बाद इस हफ्ते भी बाजार फेड की FOMC मीट के चलते प्रेशर में थे, और अब उस जब क्लैरिटी आ गई है कि हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं और स्केड्यूल टाइम पर बढ़ने हैं, तो बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या है जो यहाँ से जिसके वजह से हम सेल ऑफ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है वैल्यूएशन एक रीज़न है और उसके बाद हम जल्दी बाउंस बैक भी कर जाएंगे? मैंने जब तक स्टडी किया है, अंडरलाइंग एपिटाइट इन द मार्केट इज फॉर बाइंग. सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाई इन दिस मार्केट एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाई एट लोज. सो जैसे करेक्शन आता है वहां पे बाइंग के लिए सब लोग तैयार बैठे. बट एट द सेम टाइम करंटली जो मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है उसके अंदर काफी हद तक सेल ऑफ कोलेटरल डैमेज इसका भी है, क्योंकि मार्क टू मार्केट डिफरेंस जो बढ़ना आता है अभी वो समय के अंदर अच्छे स्टॉक्स अभी बिकवा लिया है, एंड पर्टिकुलरली जो स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन रीच है उसके अंदर बिकवाली पहले आती है. तो ये एक प्रक्रिया चालू है अभी समय के अंदर. जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका बिकवाली एक बार जस्टिफाइड भी है, बिकॉज आई थिंक दिसंबर एंडेड के पीरियड के अंदर दे हैव टू ऑल्सो रिटर्न पार्ट ऑफ देयर मनी टू देयर इन्वेस्टर्स. तो ऑब्वियसली दे कलेक्ट कैश एंड दे रिटर्न इट बैक. सो उसके हिसाब से इंडियन मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग चालू है. मैं ऐसा मानता हूँ कि फंडामेंटल वीकनेस नहीं है. ऑन द कंट्री बैंकिंग क्षेत्र देखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र देखिए, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंदर भी देखते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर भी हम व्यू करते हैं, ईच एंड एवरी एरिया वी आर सीइंग सम वेरी शार्प इंक्रीज इन द बिजनेस कंडीशंस फॉर देम. तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वैल्यूएशन जो स्टीप राइज हुए थे करीबन लास्ट 1.5 साल में, उसका एक करेक्शन आना जरूरी बनता था, तो एक करेक्शन कभी आ रहा है. इन दिस करेक्शन दिस इज द बाय अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स. सो मैं आई वुड प्रोबेबली आई थिंक पुट अक्रॉस माय रिकमेंडेशन यहाँ पे करेक्टिव प्राइसेस आर बाय अपॉर्चुनिटी. मे बी मार्केट में करेक्शन के साथ में लेना और थोड़े बार तक राह देखना उसके अंदर कोई बुराई नहीं है. मे बी ऑन द कंट्री आई थिंक इट इज अपॉर्चुनिटी दैट यू आर बाइंग इन अ फॉलिंग मार्केट. देवेन शुक्रिया पहले तो इजी नॉफ स्वदेश को समय देने के लिए. दो मुद्दे इस समय ना आजकल मार्केट्स में थोड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं. पहला है FIs की सेलिंग. एक तो आप इसको कैसे देखते हैं, आप इसको कितनी वेटेज देते हैं अगेंस्ट DIs जो कि रुक रहा है, FI सेलिंग का प्रेशर रुक रहा है मार्केट में. दूसरा है ओमिक्रॉन का नए मामले. अब भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं, चिंताजनक बात नहीं है, बट फिर भी केसेस तो बढ़ ही रहे हैं.
इसको आप कितनी वेटेज देते हुए? दोनों बड़े मुद्दे हैं, दोनों चर्चा का विषय है, ट्रेंड होते हैं बकायदा ट्विटर पे। ओके, कुछ गेस्ट टेक्निकल इश्यूज आ गए शायद वहाँ पे, लेकिन हम इस समय बाजार में क्या देख रहे हैं कि कुछ हद तक रिकवरी आ रही है। अगर